हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जी हेलो जी जी ये मोबाइल सच में स्विच ऑफ हो गया था, अब 1-2% फिर से चार्ज हो गया, इसीलिए चला गया था। तो हम हजरत अली की उस रिवायत पर बात कर रहे थे। सर, हमारे साहिल भाई बड़ी अच्छी एक रिवायत देते होते हैं। साहिल भाई की रिवायत दूं? जी जी उस हमारे रिवायत पर भी बात करते हैं कि मूसा कहाँ से साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं। साहिल भाई की रिवायत ले लेते हैं, प्लस पर हम बात कर रहे थे। हाँ साहिल भाई की रिवायत ले लेते। आप जब पाद मारते हैं कहाँ से मारते हैं? जहां से सब मारते हैं यानी कि जहाँ कहाँ से सब पाद मारते हैं? पिछवाड़े के सुराख से। जहां से आप मारते हैं हाँ, जहां से मैं मारता हूँ बिल्कुल। सब लोग पिछवाड़े के सुराख से ही पाद मारते हैं ना। बिल्कुल ओके, जब वजू करते हैं तो उस सुराख को धोते हैं? जी बिल्कुल, अगर वहां पर कोई गंदगी लगी हो तो, वजू करने पे आप पिछवाड़े के सुराख को धोते हैं? अगर गंदगी कुछ लगी हो तो, वरना नहीं। सर कोई एक यार हदीस पाद दिखा मारने दो। पे गंदगी कहां से आ गई? पोटी करने को एक नहीं कहा, पादने को कहा है यार। कट्टी करने को नहीं कहा यार, उस पादने को कहा है। पर जी उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, शुक्र है दैट इज यार, फ्री फिर लाइफ। जो है शुक्र है यार। कितना मुश्किल कर देते हैं यार आप हर चीज को। अच्छा तो मेरे भाई, लेकिन पादने के ऊपर वजू करना जरूरी है, तो लॉजिक क्या है? जी वहाँ मतलब दो चीजों को अलग अलग करते हैं, एक चीज को कहते हैं इस्तिंजा, दूसरे चीज को कहते हैं वुजू। वजू की बात कर रहा हूँ तो मैं, स्तिंजा की बात नहीं कर रहा। हाँ पादने अगर पे वजू करना जरूरी है? वजू टूटता है कि नहीं टूटता, हाँ, ये बताएं। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप वुजू से समझते क्या हैं, वुजू किसे कहते हैं? वजू, यार अरे अरे नाउज़ु अरे बिल्ला यार, सिंपल सा सवाल है। वजू पादने पे वजू टूटता है कि नहीं? थैंक बात बिल्कुल, वजू उससे टूट जाता है। यू, शुक्र है। हाँ तो वो क्यों नहीं धोते, तो पिछवाड़े मेरा का सुराग क्यों नहीं धोते हो आप? पिछवाड़े का सुराग धोना जरूरी क्यों नहीं है वजू करने में? इसलिए कि कोई गंदगी लगी नहीं है, इसीलिए लेकिन वजू तो टूट निकला गया। तो वहां से है ना भाई, हाँ तो फिर तो और निकला वहां से है, गंदगी लेकिन वजू फिर भी टूट गया, और अब आपको वजू करना नहीं। भी अगर है। जी गंदगी नहीं है वो, अच्छा एडम, अगर वो गंदगी नहीं है तो फिर वजू क्यों टूट रहा है? एग्जैक्टली नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो गंदगी नहीं, मैंने ये कहा कि गंदगी नहीं लग जाती है इंसान के जिस्म पर वहां से, नहीं लगी तो ना, नहीं तो लग फिर वजू जाती भी है नहीं तो टूटना वजू चाहिए। क्यों टूटना है? इस वजू टूटने का कानून अल्लाह ताला तय करेंगे, ये कोई दुनियावी तो चीज फिर है नहीं। हाँ, तो लॉजिक लॉजिक नहीं नहीं है, है, लॉजिक लॉजिक नहीं नहीं है, है, लॉजिक नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है। इलॉजिकल है ना। अगर अगर है ना, लॉजिकल इलॉजिकल। होता, हाँ अगर लॉजिकल होता मेरे प्यारे भाई, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मुझे ऑरेंज पसंद है, एप्पल्स मुझे पसंद नहीं है, ये इलॉजिकल है कि लॉजिकल है? यार ये क्या पसंदीदगी की बात आ रही है, उसका साइंसदान कानून से क्या ताल्लुक हुआ? वजू का कानून कहता है अगर आपने पाद दिया है तो नहीं, अब मैं वजू के आपको वजू कानून की करना है। बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सारी चीजें पसंदीदगी लॉजिक। कानून में नहीं होती ना, कानून नहीं है, लॉ की बात हो रही है, कानून, अच्छा अल्लाह का वजू नहीं कानून। करेंगे तो चलेगा, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा, जैसा अगर किसी को सेब नहीं पसंद है, वो नहीं खा रहा है, ठीक है, वजू नहीं करेंगे तो चलेगा पाद मार के? आपने मेरी बात समझी नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि सारी बातें लॉजिकल या लॉजिकल न होने की वजह के बाद इलॉजिकल नहीं बन जाती। अरे वाह यार, ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि अगर लॉजिकल ये नहीं है तो लो इसका ये मतलब नहीं है वो इलॉजिकल भी नहीं है। ये जो एग्जांपल दिया ना आपने, एक कमाल ही दिया यार। पर आपको इस पर आपको अभी तक सोचने की इतनी अच्छी जरूरत बातें कर रहे थे।